सुबह में यार बैंक निफ्टी ने तो पूरा मूड खराब कर दिया। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया बैंक निफ्टी ने तेरे साथ? देखना फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ही कितनी बड़ी बन गई है, मेरे पूरे ट्रेड प्लान की वाट लग गई है। किस तरीके से ट्रेड करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। रुक, इस कंडीशन में ट्रेड लेने की एक टेक्निक मैं तुझे बताता हूँ, आपको भी सीखनी है तो जल्दी से ये वीडियो सेव कर लो। तो जब कभी भी कोई भी चार्ट के ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है जिसकी साइज एवरेज कैंडल्स के डबल या फिर ट्रिपल होनी चाहिए, तो उस वाले कंडीशन में हम किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर ये कैंडल रेड कैंडल होगी तो सिंपल हमें इसका हाई जो है वो मार्क कर लेना है, क्योंकि इसका हाई जो होता है वो एज अ सप्लाई जोन का काम करता है। तो सिंपल यहाँ पर प्राइस क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर एक पुल बैक लेता है। अगर यहाँ पर प्राइस पुल बैक लेगी, कोई रिजेक्शन कैंडल बनाएगी, तो हम यहाँ पर शॉर्टिंग की एंट्री ले सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और दिन का लो एज हम यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पर बन सकता है। तो सिंपली इन दिस कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने ऐसे ही किया, यहाँ पर भी एक पुल बैक दिखाया, देन प्राइस ने यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनाई। तो सिंपल हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं एंड कैंडल के जस्ट ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा।